ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया वार, कहा आर्यन ड्रग्स केस पूरी तरह से फर्जी है। ड्रग्स केस अपहरण और फिरौती का है। नवाब मलिक ने कहा कि ड्रग्स पार्टी में 8 नहीं 11 लोग पकड़े गए थे, एनसीपी ने 3 लोगों को किस आधार पर छोड़ा है। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक के गंभीर आरोप, मोहित कंबोज पर 1,100 करोड़ के बैंक घोटाले का लगाया आरोप। नवाब मलिक ने कहा कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है, उगाही में वानखेड़े का साथी है मोहित, मोहित कंबोज होटल चलाता है। नवाब मलिक ने कहा आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई, आर्यन की किडनैपिंग मोहित कंबोज ने करवाई थी, साजिश के तहत आर्यन को पार्टी में ले जाया गया। ड्रग्स केस से नवाब मलिक का नया धमाका, नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए एनसीबी अधिकारी और सैम डिसूजा की बातचीत का ऑडियो क्लिप जारी किया। नवाब मलिक का खुलासा, सैम डिसूजा का असली नाम सैनविल स्टैनली, एनसीबी ने सैनविल स्टैनली नाम से भेजा है नोटिस। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने ठोका मानहानि का केस, मांगा 1,25,00,000 रुपए का मुआवजा। मुंबई में सोमवार से होगा एनसीबी की स्पेशल 20 का एक्शन, मुंबई ड्रग्स केस की गुत्थी सुलझाने में दिखेगा एनसीबी की स्पेशल टीम का नाम। सोमवार से एक्शन में होगी एनसीबी की 2 स्पेशल टीम, आर्यन खान मामले के अलावा समीर वानखेड़े केस की भी करेगी जांच। पहली स्पेशल टीम की अगुवाई एनसीबी के अधिकारी संजय सिंह करेंगे, इस टीम में कुल 13 जांच अधिकारी होंगे। समीर वानखेड़े की विजिलेंस जांच करने वाली एनसीबी की दूसरी टीम भी सोमवार को मुंबई जाएगी, टीम में 7 ऑफिसर्स होंगे। एनसीबी विजिलेंस की टीम अब तक दर्ज कर चुकी है 12 गवाहों के बयान, मुख्य किरण गोसावी के गवाह के अलावा सैम डिसूजा का बयान दर्ज करेगी एनसीबी। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल लाए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वसूली केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है देशमुख। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक जारी, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल। दीप प्रज्वलित करके किया गया बैठक की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ने दीप को प्रज्वलित किया। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद, नितिन गडकरी समेत कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित, दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक, बैठक में शामिल होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ व्रत करने वाली महिलाओं को प्रणाम किया। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बैठक के लिए सभी सदस्य शामिल नहीं हुए, 124 सदस्य ही दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकारिणी स्थल पर लगाई गई एक प्रदर्शनी, गरीब कल्याण योजना और कोरोना काल के दौरान किए काम का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्टेंट के सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी को मिली 70% रेटिंग। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर, बाइडेन छठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कारनामा दूसरी बार किया है, 2020 में भी पीएम मोदी राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज थे। मॉर्निंग कंसल्ट एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रेटिंग कंपनी, साप्ताहिक आधार पर 13 देशों के डेटा को करती है अपडेट। सुप्रीम फटकार के बाद राकेश टिकैत नहीं छोड़ रहे हैं अपना हट, कहा हम नहीं खाली करेंगे बॉर्डर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के जिला जेल में बंदियों ने पथराव कर लगाई आग, जेलर पर भी हमला किया। जेल में दरअसल डेंगू से बीमार एक कैदी की मौत के बाद कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जेल पुलिस फोर्स पर भारी पड़े कैदी। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों की बड़ी मुसीबतें। चेन्नई में भारी बारिश ने सड़कों पर धीमी की गाड़ियों की रफ्तार, जल जमाव के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर प्रहार, कहा कोरोना के समय कुछ लोग घर में दुबके हुए थे, ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। इटावा में सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को चुनौती, कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए बुलडोजर तैयार। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बोला हमला, कहा जिसने तोड़ने वालों की तुलना देश को जोड़ने वालों से की है, ऐसे लोग की मंशा को समझना होगा। अखिलेश यादव का समाजवादी विजय, रथ पहुंचा पूर्वांचल, आज अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर में करेंगे बड़ी चुनावी सभा। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर आज अम्बेडकर नगर में होने वाले अखिलेश की जनसभा में दिखाएंगे अपनी ताकत, दोनों ही नेताओं का पिछड़ी जातियों में तगड़ा आधार। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से उगला जहर, कहा बीजेपी को 2020 में जमीन में दफना दूंगा और अखिलेश को सीएम बना दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर किया सियासी वार, कहा अगर हिम्मत है तो केशव प्रसाद मौर्य जातिगत जनगणना पर बोलकर दिखाएं।
फसिम रिजवी ने 350 मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लेकर लिखी किताब। मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु बोले, जज्बातों को ठेस पहुंचाने वाली ये किताब। बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बिगड़े बोल, कहा कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा सुन ले, अगर उनकी तरफ कोई आग उठेगी तो हम उनकी आग निकाल देंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू पर निशाना साधा, कहा मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं। पंजाब के मोगा में किसान यूनियन ने अक्षय कुमार की फिल्म का विरोध किया, सिनेमा मालिकों ने भी किसानों की बात मानते हुए उतारे पोस्टर। हरियाणा में 15 जनवरी 2022 से लागू होगा नया आरक्षण कानून, मनोहर सरकार ने कंपनी से कर्मचारियों का डेटा मांगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज होगा गोवा दौरा, एजुकेटेड कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे केजरीवाल। वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग से राहत नहीं मिल रही है, कई इलाकों में फिर से 500 पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की, कहा बढ़ता प्रदूषण दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए घातक है। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, आज दिल्ली में रहेगी पानी की दिक्कत, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में ज्यादा पानी। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा है, अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में भी मिले जीका वायरस के मरीज, कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेजे थे जिसमें से एक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कन्नौज प्रशासन अब सतर्क हुआ। लखनऊ में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फ्लैट पर फंसे लोगों को सीढ़ी के जरिए नीचे उतारा गया। एसपी सरकार के मंत्री रहे श्री प्रकाश राय उर्फ ललन राय का डांस वीडियो वायरल हुआ, फिल्मी गानों पर थरकते हुए नजर आए ललन राय। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में एक शख्स की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पाकिस्तान से हाथ पर भारतीय खिलाड़ियों का पत्नी ने बनाया मजाक, पति ने आरोपी पत्नी पर FIR दर्ज कर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हर्ष वारी का वीडियो वायरल, मामले की तफ्तीश में जुटे पुलिस। उत्तराखंड स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में मनाएगी धामी सरकार, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा आयोजन, गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,800 से ज्यादा नए केस आए सामने, 526 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,546 नए केस आए सामने, 50 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हमले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने पर कांग्रेस को ऐतराज, पार्टी का तंत्र सरकार को सौंपी जाती है आयोग की रिपोर्ट। नवंबर की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी है ठंड, प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना पचमढ़। गृहगांव जैत में अधिकारियों पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, पीने की पानी की समस्या को लेकर दी चेतावनी, कहा 15 दिन में समस्या खत्म नहीं हुई तो अधिकारियों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश के सरगुजा में एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट के विरोध में उतरे मंत्री अमरजीत भगत, कहा प्लांट की स्थापना को लेकर जनता में आक्रोश है, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैट कम किए जाने के दिए संकेत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी चकमा देकर फरार हुआ, तलाश में जुटी सिविल लाइन थाना पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में खाद की परेशानी से जूझ रहे किसान एक बार फिर से आंदोलन पर उतरे, किसानों ने सड़क पर उतर कार में छठ के पावन पर्व के लिए तैयार किए जा रहे हैं घाट, लोगों की सुरक्षा के लिए NDRF और गोताखोरों की टीम भी तैनात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में किया ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का सर्वे, प्रभावित गांवों को 1 महीने का बिजली बिल माफ किया। अंबाला में दुकान में घुसकर दुकानदार पर तलवार से हमला किया गया, दुकानदार समेत 2 लोग घायल हुए, सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केंद्र सरकार से मांग, जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल से और घटाया जाए एक्साइज टैक्स। सीकर के किशोरपुरा में जानवरों के बाड़े में लगी आग, आग में करीब 2.5 दर्जन बकरियों की मौत हुई और 30 मरचाड़ा की भी जलकर राख। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आएगी, सरकार बदलने पर प्रदेश में भी निश्चित तौर पर खुशहाली आएगी। अजमेर में शराब की दुकान पर हंगामा हुआ, सेल्समैन और शराबियों के बीच झड़प हुई, मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला कानून लागू, नोटिफिकेशन जारी। फतेहाबाद में ओम प्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला से पूछे सवाल, कहा किसानों ने कहा तो अभय चौटाला दोबारा इस्तीफा देंगे, चुनाव में बीजेपी ने धन बल का प्रयोग किया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल उपचुनाव में हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बताया अफवाह, कहा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी ली, कहा उपचुनाव में हार पर मंथन करेंगे। मुंबई के कांदिवली में आग का तांडव, बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत।
गुजरात के खेड़ा में खुले मैदान में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी, 25 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 बिलियन से भी अधिक की बढ़ोतरी, रिजर्व बैंक ने साझा की जानकारी। गलवान में झड़प के करीब 1.5 साल बाद चीन का बड़ा कबूलनामा, राष्ट्रपति जिनपिंग के इशारे पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की रची गई थी साजिश। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब, पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकियों को बरी कर दिया। अफगानिस्तान में मासूम बच्चों के लिए देशों में कोरोना महामारी के लौटने का खतरा मंडराया, रूस में बीते 24 घंटे में 41,335 नए केस सामने आए जबकि 1,188 लोगों की मौत हो गई। इराक में पीएम मुस्तफा अल कादमी के घर पर ड्रोन से हमला हुआ, प्रधानमंत्री कादमी पूरी तरह से सुरक्षित है, पीएमएफ आतंकी संगठन ने कुछ घंटे पहले ही हमले की धमकी दी थी। T20 विश्व कप में आज अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, अगर आज अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे तो भारत के सेमीफाइनल में जाने के रास्ते खुल सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी दौर में पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीन टीमों के नाम अब तय, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। परिणीति चोपड़ा ने बर्फीली वादियों में फुर्सत के पलों को एंजॉय किया, वीडियो शेयर किया। दिशा पाटनी का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में दिशा ग्लाम ने संदास में नजर आई, उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। शुभांगी अत्रे ने मजेदार वीडियो शेयर किया, वीडियो में शुभांगी जमकर मस्ती करते हुए आई नजर। कटरीना अक्षय की फिल्म का धमाल, पहले दिन कमाए 26 करोड़ रुपए। जानवी कपूर और खुशी कपूर फेस्टिव सीजन में अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती हुई आई नजर, जानवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अनन्या पांडे की कजन अलाना पांडे की हुई सगाई, बॉयफ्रेंड ने रोमांटिक अंदाज में किया प्रपोज, मालदीव में हुई सगाई।